जो सूचना मिली है, जानकारी ही है अभी तक तो, पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बेगूसराय के पास पहाड़ के हिस्से से वहाँ एक बस, और बस के साथ साथ ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी में हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से हाथ बाहर अभी निकला ही हूँ, और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्यवाही, NDRF की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है, और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। बसें दब गई, एक टिप्पर दबी हुई, एक छोटी कार दब गई है, सिर्फ दो बचे हुए, बाकी का पता ही नहीं है लोगों का। बसें दब गई, एक टिप्पर दबी हुई, एक छोटी कार दब गई है, सिर्फ दो बचे हुए हैं, बाकी का पता ही नहीं है लोगों का। बसें दब गई, एक टिप्पर दबी हुई, एक छोटी कार दब गई है, सिर्फ दो बचे हुए हैं, बाकी का पता ही नहीं है लोगों का। बसें दब गई, एक टिप्पर दबी हुई, एक छोटी कार दब गई है, सिर्फ दो बचे हुए हैं, बाकी का पता ही नहीं है लोगों का। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भावानगर उपमंडल में बड़ा हादसा हुआ है। इसमें जूबी रोड पर निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक एक बड़ा पहाड़ दरक गया है, जिसमें एक HRTC की बस और कुछ ट्रक तथा हल्के वाहन दब गए हैं, जिनमें कई लोग सवार थे। ऐसे में बड़े पैमाने पर जान हानि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। SDM भावानगर मनमोहन सिंह ने बताया कि यह घटना लगभग 12:45 के आसपास हुई है। उन्हें जैसे ही सूचना मिली है तो मौके के लिए बस में राहत एवं बचाव कार्य की एक टीम रवाना कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बसों में भी कई लोगों के सवार होने की सूचना है, जिन सभी के लैंडस्लाइड में दबे होने की खबर आ रही है, जो कि बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि अभी तक मौके पर पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिससे कि राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने में भी प्रशासन एवं पुलिस को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नल के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ियां गई बोला और बस लगे बोले थे,
सिग्नल के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ियाँ नहीं बोला और बस लगे बोले थे। हाँ ऐसा कुछ नहीं और कुछ क्या हुआ के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ियाँ नहीं बोला और बस लगे बोले थे। हाँ ऐसा कुछ नहीं और कुछ क्या हुआ से संजू चौधरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भावानगर उपमंडल में बड़ा हादसा हुआ है। इसमें जूरी रोड पर निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक एक बड़ा पहाड़ दरक गया है, जिसमें एक HRTC की बस और कुछ ट्रक तथा हल्के वाहन दब गए हैं, जिनमें कई लोग सवार थे। ऐसे में बड़े पैमाने पर जान हानि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। SDM भावानगर मनमोहन सिंह ने बताया कि यह घटना लगभग 12:45 के आसपास हुई है। उन्हें जैसे ही सूचना मिली है तो मौके के लिए बस में राहत एवं बचाव कार्य की एक टीम रवाना कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बसों में भी कई लोगों के सवार होने की सूचना है, जिन सभी के लैंडस्लाइड में दबे होने की खबर आ रही है, जो कि बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि अभी तक मौके पर पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिससे कि राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने में भी प्रशासन एवं पुलिस को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिग्नल के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ियाँ नहीं बोला और बस लगे बोले थे। हाँ ऐसा कुछ नहीं और कुछ क्या हुआ के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ियाँ नहीं बोला और बस लगे बोले थे। हाँ ऐसा कुछ नहीं और कुछ क्या हुआ Thank you.
पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ियाँ भी बोला और बस लगे बोला इसमें से संजू चौधरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भावानगर उपमंडल में बड़ा हादसा हुआ है। इसमें जूबी रोड पर निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक एक बड़ा पहाड़ दरक गया है, जिसमें एक HRTC की बस और कुछ ट्रक तथा हल्के वाहन दब गए हैं, जिनमें कई लोग सवार थे। ऐसे में बड़े पैमाने पर जान हानि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। SDM भावानगर मनमोहन सिंह ने बताया कि यह घटना लगभग 12:45 के आसपास हुई है। उन्हें जैसे ही सूचना मिली है तो मौके के लिए बस में राहत एवं बचाव कार्य की एक टीम रवाना कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बसों में भी कई लोगों के सवार होने की सूचना है, जिन सभी के लैंडस्लाइड में दबे होने की खबर आ रही है, जो कि बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि अभी तक मौके पर पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिससे कि राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने में भी प्रशासन एवं पुलिस को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नल के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ियां भी बोला और बस लगे बोला इसमें जंगल के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ियां भी बोला और बस लगे बोला इसमें जंगल के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ियां भी बोला और बस लगे बोला इसमें thank you.
से संजू चौधरी की रिपोर्ट।